नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एज के क्लासेस में और साथियों जैसा कि आप आर्टिकल देख रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते हैं सरकारी भर्तियां जल्द हो कि जो मुख्यमंत्री है या बीजेपी जो हमारी सरकार है वो चाहती है कि ये भर्तियां जल्द से जल्द हो और इसके पीछे के कारण भी हम पढ़ लेते हैं जैसा कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है जो आज के दैनिक सवेरा के अंदर पब्लिश हुआ है कि सरकार की घोषणा थी कि सत्तर हज़ार के करीबन ये सरकार भर्तियाँ करेगी और इस सरकार को भर्तियों के लिए ही जाना जाता है और कहते भी हैं कि ये सरकार में ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है भर्तियों के अंदर तो इसी को लेकर ये आर्टिकल है तो साथियों इसको पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि भर्तियां जल्द से जल्द हो लेकिन किसी वजह से कारण किसी कारणवश से ये भर्तियां हैं वो लेट हो रही है जैसे कि इन्होंने बताया कि सत्तर हज़ार वैकेंसी को इन्होंने वादा किया था लेकिन अभी तक ये नौ साल के अपने कार्यकाल में कुछ भी भर्तियाँ कर नहीं पाए हैं तो लगभग चार हजार जो सहायक प्रोफेसर है कॉलेज के उनके पद पद हैं वो रिक्त पड़े हैं यानी कि कॉलेज के, के प्रोफेसरों के चार हजार रिक्त पद पड़े हैं और उसको भरने के लिए उस शिक्षा विभाग ने एच को आग्रह लेटर भी भेजा है लेकिन अभी तक वो भरे नहीं गए हैं क्योंकि जब कारण उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ चेंज होना है और अगर ये चेंज होता है तो इसमें दो तीन महीने लग सकते हैं और इसमें समय लगेगा और लगभग एक साल भी लग सकता है तो साथियों चार हजार पद तो जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं उनके पढ़े हैं इसके अलावा अगर टीजीटी की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है स्कूल में शिक्षकों के लगभग अड़तीस हजार पद रिक्त पड़े हैं यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं इनके अंदर अड़तीस हज़ार टीचरों के पद हैं वो रिक्त पड़े हैं और सरकार ने जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की है यानी कि टीजीटी की बात कर रहे हैं टीजीटी के चौहत्तर सौ इकहत्तर पदों की भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है सरकार ने वादा किया था कंवरपाल गुज्जर जी ने वादा किया था कि अगले नए सेशन तक हम सभी भर्तियाँ करवा देंगे लेकिन टी और पी जी टी टी जी टी की जो चुहत्तर सौ इकहत्तर पद हैं वो भर्ती अभी तक नहीं हो पाई है इन पदों के लिए अंतिम सूची अगले महीने तक जारी होने की संभावना है और कहा भी गया है अगर डीवी हो जाती है तो आगे सेशन में जब स्कूल शुरू होंगे तो इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी तो ये खुशी वाली बात है कि चुहत्तर पद सबसे जल्दी यही भरे जाएंगे साथियों क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर सबसे पहली भर्ती यही हुई है इसके बाद दो जो छियालीस पद एच के थे वो बार बार कोर्ट केस के चलते या किसी संशोधन के चलते बार बार ऐसे कार हो रहे हैं और कैंसिल किया जा रहा है इन पदों को एच ने 2019 में ये पब्लिश किए थे उस दौरान भी ये वापस ले लिए गए 2022 में फिर ये पब्लिश हुए और अब फिर ये वापस ले लिए गए हैं क्योंकि ये पहले तो एच इसका टेस्ट सा ऑर्गेनाइज कराने वाला था लेकिन बाद में एच को ये दे दिए गए और ये दो हज़ार उन्नीस में भर्ती थी वो कैंसिल कर दी गई और अब जो एच का पैटर्न है एच चाहती है कि वो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ले प्लस में इंटरव्यू रखे इसके अंदर यानी कि पहले ये ऑब्जेक्टिव होता था पेपर एच जब इसको कंडक्ट करवाती थी लेकिन एच का जो नियम है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस में इंटरव्यू इसके अंदर करवाती है तो इससे हमारे जो साथी हैं वो खुश नहीं थे इसलिए उन्होंने कोर्ट केस में एच को ले गए और वहाँ एक बार फिर इस भर्ती को अभी रिसेंटली कैंसल कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि अब ये जल्द से होने वाली नहीं है इसको होने में समय लगेगा यहाँ तक कि सरकार का भी डेढ़ साल का कार्यकाल रह गया है तो देखते हैं कि एच की भर्ती कितनी जल्दी ये सरकार करवाती है और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर चाहते हैं कि ये भर्तियाँ जल्द से जल्द हो क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर अड़तीस हज़ार के करीबन भर्तियाँ खाली है जिसमें इन्होंने सबसे पहली पहल है वो टी से शुरू की है चौहत्तर सौ इकतालीस पदों से इन्होंने शुरुआत की है और उसका एग्ज़ाम हो चुका है और जल्द ही ये भर्ती हमें पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी यानी कि यह कंप्लीट कर दी जाएगी आने वाले पंद्रह बीस दिन के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होने की पूरी पूरी संभावना है सबसे पहले ये भर्ती कंप्लीट होगी उसके बाद पी जिसको एच कंडक्ट करवाएगा तो उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और देखते हैं साथियों डेढ़ साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री साहब कितनी सारी भर्तियाँ हैं वो कंडक्ट करवाते हैं क्योंकि इन्होंने सत्तर हज़ार वैकेंसीयों का क्या किया है वादा किया है इसके अलावा सीटी है उसको लेकर भी आप बार बार देख रहे हो कभी करनाल में कभी जींद में बार बार एच के कार्यालय में क्वालिफाई करने के लिए सीटी को क्वालिफाई कराने के लिए बार बार आंदोलन चल रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सीटी क्वालिफाई होगा और ये भी अभी तक ये नहीं करवा पाए हैं और पहले सीटी था वो चार गुना कैंडिडेट के लिए था सरकार चाहती थी कि चार गुना कैंडिडेट को अलाउ करें लेकिन अब जो पब्लिक है या जो हमारे साथी हैं वो चाहते हैं कि इसको क्वालिफाइंग मार्क्स कर दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसके अंदर मौका मिले लेकिन भोपाल सिंह खत्री के बयान के अनुसार इस बार तो ये सी टी है वो चार गुना ही रहेगा लेकिन आने वाले समय में इसका पैटर्न है वो चेंज किया जा सकता है तो सी टी है वो भी सरकार के लिए एक साथियों के समस्या बना हुआ है इसके लिए भी जो पद हैं वो जारी किए गए हैं तो साथियों इसके अलावा तेरह हजार ग्रुप डी है वो भी सरकार जल्द ही भर्ती करेगी ये तो साथियों आज का जो मुख्य आर्टिकल था उससे है और मुख्य खबरें एक दो और है जो आपको मैं दे देता हूँ इसके अंदर जो राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पर गेस्ट टीचरों ने भी भरी ऊकार यानी कि साथियों आप देख रहे हैं कि कल जैसे अमित शाह की रैली सिरसा में थी और आज है जो हमारे शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी गुजर हैं वो फतेहवाज का दौरा करेंगे इसके अलावा अन्य शहरों के अंदर ये दौरा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ साथियों कि जो टी जी टी वाले टीचर हैं वो भी जहाँ भी कंवर जी गुजर जाते हैं तो टी जी टी वाले साथी अगर उनको मौका मिलता है तो वो उनके सामने अपनी समस्या ज़रूर रखें और चाहे वो एच पी एस सी के कैंडिडेट हैं या टी जी टी के हैं तो वो ये कंवरपाल जी को जी को ज़रूर अवगत कराएं कि वो उनकी समस्या सुनें और जल्द से जल्द इन भर्तियों को कंप्लीट करवा दें और ये सभी आप करते हो जैसे गेस्ट टीचर ने कहा है कि उनका वेतन है वो सरकारी से सरकारी से उन्हें चौथे चौथा जो हिस्सा है वो दिया जाता है और उनकी जो महंगाई भत्ता है वो भी बंद कर दिया गया है सरकार ने और उन्हें जल्द से जल्द परमानेंट भी किया जाए जब ये सरकार बनी थी तो सरकार ने वादा किया था कि पंद्रह हजार जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं यानी कि साथियों आपको आंकड़ा मिल जाता है कि पंद्रह हज़ार के करीबन गेस्ट टीचर हैं जो चाहते हैं कि उन्हें स्थायी तौर पर रखा जाए उनको स्थायी किया जाए और इसके अलावा इनकी जो बढ़ोतरी है वो भी एक जैसे महंगाई बता है वो भी गवर्नमेंट टीचर की तरह इनका बढ़ाया जाए तो ये साथी भी कमलेश डांडा जो हमारे मंत्री है बाल विकास मंत्री हैं उनसे मिले हैं और उनको उन्होंने ज्ञापन दिया है तो जैसे शिक्षा मंत्री आ रहे हैं या अमित शाह जी आ रहे हैं तो हमारी समस्या हमें उनके सामने रखनी चाहिए और ये है स्कूल शिक्षा मंत्री आज पाँच गाँव में सुनेंगे समस्याएँ यानी कि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी गुजर है पाँच गाँव में आएंगे जिसमें बलाचौर में, बला, में दोपहर बारह बजे शाहिदपुर और फतेहाबाद के अंदर ये दौरा करेंगे तो जो भी साथी यहाँ आसपास के हैं वो कंवरपाल जी गुज जी गुज्जर से मिले और अपनी समस्याएं या टीजीटी की है या एच पी एस सी की है उसको लेकर वो उनसे ज़रूर मिले तो साथियों ये छोटी सी खबर थी आपके लिए और ये ज़रूरी खबरें हैं आपको इनसे अपडेट रहना चाहिए क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और जल्द ही आपकी भर्ती है वो जल्द से जल्द होने जा रही है टीजीटी है वो तो कंप्लीट करीबन महीने के अंदर हो जाएगी और उसके बाद एचपीएससी का दौर है वो शुरू होगा टिल देन साथियों टेक केयर